सीनेट परिवर्तन पैनल की ओर से महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद के नागपुर पदवीधर मतदार संघ का चुनाव लड़ने वाले हैं। इस चुनाव में इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकते हैं, ऐसी जानकारी रवि भवन में आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। सीनेट परिवर्तन पैनल की स्थापना 6 जनवरी 2018 को हुई है। इस पैनल के माध्यम से समाज में प्रबोधन, मार्गदर्शन एवं संगठन के तहत कई अच्छे काम किए जा रहे हैं। इस सीनेट परिवर्तन पैनल की ओर से विद्यार्थियों की समस्या छुड़ाना, शिक्षा का स्तर बढ़ाना आदि उद्देश्य है। किंतु आए दिन सीनेट परिवर्तन पैनल की ओर से नागपुर पदवीधर मतदार संघ का चुनाव जून 2020 में होने वाला है, इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, ऐसी जानकारी रवि भवन में आयोजित पत्र परिषद में दी गई। सीनेट परिवर्तन पैनल या माध्यमातून नागपुर विद्यापीठाच्या पदवीधर मतदार संघातून निवडणूक लढवण्यात आली। त्या निवडणुकीमध्ये एकूण पदवीधरांच्या 10 प्रतिनिधींपैकी 2 प्रतिनिधी सीनेट परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून निवडून आणण्यात आले। या पॅनलची स्थापना दिनांक 6 जानेवारी 2018 रोजी करण्यात आली। या पॅनलच्या माध्यमातून 2 सीनेट काउन्सिलचे प्रतिनिधी शिलवंत मेश्राम आणि प्रशांत डेकाटे यांची निवडणुकीच्या माध्यमातून निवड करण्यात आली। आता महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेच्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघासाठी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सीनेट परिवर्तन पॅनल हे सहभागी होणार आहे आणि त्या निवडणुकीला जिंकून आणण्यासाठी सर्वांच्या एकोप्याने, सर्वांच्या मदतीने प्रयत्न करणार आहे। शिलवंत मेश्राम हे सीनेट मेंबर आहेत। मी प्राध्यापक प्रशांत डेकाटे। सीनेट परिवर्तन पॅनलच्या बॅनरखाली लढलेले आम्ही 2 विजयी उमेदवार आहोत। सीनेट परिवर्तन पॅनल 8 संघटनांनी मिळून बनवलेलं पॅनल आहे, त्यांची नावं मी तुम्हाला सांगितलेली आहेत। आणि असं हे म्हणजे झोटिंगशाहीने एखाद्या पॅनलला हायजॅक करून स्वतःचीच उमेदवारी घोषणा करणे हे कितपत योग्य आहे। BVM, बासा, BRVM, HRPF, BBM, न्यूटा, दीक्षा फाउंडेशन आदि 8 संगठन द्वारा सीनेट परिवर्तन पैनल बनाया गया है। रवि भवन से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, NBCN न्यूज नागपुर।